आपके घर में पानी खत्म हो जाता है तो आप फौरन परेशान हो जाते हो। कभी आपने सोचा है कि अगर आपके शहर में या फिर देश में पानी खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक देश की 40% आबादी के पास पीने का पानी नहीं होगा। इसमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद समेत देश के 21 शहर शामिल हैं। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस भी इलाकों में जाते हैं, सबसे बड़ी समस्या वहां पानी है, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के शिलान्यास के लिए भूमि पूजन किया है, जिससे लोगों को पीने के पानी की किल्लत से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली में 1642 अनऑथोराइज कॉलोनियां हैं, जिनमें पिछले 4 सालों में 546 अनऑथोराइज कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है, जिनमें से 537 पाइपलाइनों में पानी की सप्लाई भी शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने पानी की समस्या से बचने के लिए अब और भी कमर कस ली है। वे मौजूदा समय में 1374 कॉलोनियों में पाइपलाइन से पानी आपूर्ति की जा रही है। बता दें, बाकी बची हुई कॉलोनी भी 1.5 साल में पाइपलाइन के नेटवर्क से जुड़ जाएंगी, जिससे दिल्ली के लोगों को पीने के पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।